So this is Oscope, and in this video I will explain you how to create your portfolio website. So this tutorial will be in a three part. In first part I will explain you the skeleton of the website. In second part we will work on the body of our website. In third part we will work on the designing of our website. So for this website I am using HTML and CSS, और इसके साथ मैं यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर. आप कोई भी स्टूडियो कोड कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, एटम हो, सबलाइम हो, इक्लिप्स हो. उसके साथ इसका आउटपुट देखूंगा मैं क्रोम ब्राउजर में, आप कोई भी अलग ब्राउजर यूज कर सकते हैं. सो ये वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है. अगर आपको HTML CSS नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आगे कवर करूंगा क्या है HTML और क्या है CSS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो कोड, और अगर नहीं आपके लैपटॉप या पीसी में तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. तो उसके बाद मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, और उसके बाद हम करेंगे एक न्यू फाइल क्रिएट. सो इधर ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है अनटाइटल्ड वन से. अब उस फाइल को मैं एग्जिस्टिंग फाइल को कट करके इधर से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ. उस फाइल का डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड वन है, और उस फाइल को मैं सेव करूंगा कंट्रोल प्लस एस. हमें पहले ही सेव करना है इस फाइल को हमारे कोड लिखने से पहले. सो मैं इसे सेव करूंगा पोर्टफोलियो वेबसाइट में और विथ एक्सटेंशन .html. सो आई एम गिविंग फाइल नेम index.html, यस, रिप्लेस इट. सो उसके बाद हमारी HTML की फाइल हमने क्रिएट कर चुके हैं. और तो क्या होता है HTML? HTML इज एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने में काम आती है. आप ब्राउजर पे जो भी वेबसाइट देखते हो उसका स्केलेटन HTML से बनाया गया है, और हर एक वेबसाइट में HTML यूज किया गया है. सो HTML में क्या होता है, HTML में टैग्स यूज करते हैं, हर एक टैग्स का अलग फंक्शनिंग होता है. सो एक HTML में एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किया HTML टाइप, तो ये देखो ये स्टार्टिंग टैग हुआ और ये हुआ एंडिंग टैग. और इस वेबसाइट इस पार्ट में मैं बताऊंगा आपको स्केलेटन फॉर आवर वेबसाइट. सो मैं हमारे वेबसाइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट है हेड, इसको मैं आगे बताऊंगा क्या है हेड. फिर है हमारा बॉडी, उसके बाद है फुटर. सो हमने इस वेबसाइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हेड, बॉडी और फुटर. सो हेड क्या है, हेड में मेटा डेटा टाइप करते हैं. मेटा डेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डीप में नहीं जाएंगे, पर हेड टैग में जो भी मेटा डेटा यूज़ होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, जिससे आपकी वेबसाइट ब्राउजर या इंटरनेट में ढूंढने में आसानी हो जाती है. सो इसमें हेड टैग में बहुत सारी चीज़ें आती है, और जैसे कि कोई भी CSS स्टाइल शीट हो या कोई भी स्क्रिप्ट पेज हो, अगर वो पेजेस और वो फाइल्स आपको अगर HTML के साथ लिंक करनी है तो हमें हेड टैग में उसका लिंक मेंशन करना होगा. उसके साथ अब अगर आपको कोई आइकॉन पैकेज यूज़ कर रहे हो या कोई भी फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हो तो उसका लिंक हम हेड टैग में इंक्लूड करेंगे. और हेड टैग में मेन चीज़ होती है वो टाइटल. टाइटल क्या होता है, जो भी आपके ब्राउजर पे टैब का नाम दिखता है उस टैब का नाम हम हेड टैग में लिखते हैं. जैसे कि टाइटल टैग में हम उस टैग का नाम लिखेंगे. उसके बाद आता है बॉडी. सो बॉडी एक बहुत इस टैग में हमारा पूरा वेबसाइट, ओवरऑल वेबसाइट जो दिखेगा वेब पेज पे वो सब इस टैग के अंदर आएगा. जैसे कि फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा, हमारा इन्फॉर्मेशन, डेटा, वो सब स्किल्स, ये सब हम बॉडी टैग में डालेंगे. उसके बाद है फुटर टैग. सो फुटर टैग में क्या, फुटर टैग में हम हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और अदर सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स हम फुटर लिंक्स या आइकॉन्स हम फुटर टैग में इंक्लूड करेंगे. वैसे ही उसके साथ हम हमारा मेल आईडी एक बटन यूज़ करके, एक क्लिक मी बटन यूज़ करके हमारा मेल आईडी उधर बनाएंगे फुटर टैग में. सो एक हुआ एक बेसिक सा हमारे स्केलेटन बोल सकते हैं इस वेबसाइट इस कोड को. उसके बाद हम यहाँ में आपको एक स्टार्टिंग जो हम टैग यूज़ करने वाले वो मैं यूज़ बताऊँगा आपको, एक टाइटल टैग. सो इस टाइटल टैग में हमारे वेबसाइट का जो टैब नेम होगा वो रहेगा. जैसे मैं अब इस टाइटल को देता हूँ पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो इसको नाम दिया, उसके बाद आएंगे इस बॉडी टैग में। सो बॉडी टैग में मैं डिवीजन टैग यूज़ करूँगा। डिवीजन क्या होता है, अगर आपको अलग अलग यूज़ करना है डिवीजन ही, अगर आपको बॉडी टैग में, बॉडी टैग को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं डिवीजन में क्लासेस यूज़ करूँगा। तो क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस एक होते हैं कि अगर अगर हमें स्टाइल करना है तो ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्लासेस का यूज़ आगे मैंने कैसे किया हुआ है। तो हम यहाँ तीन डिवीजन बनाएंगे। पहले डिवीजन में हमारा इंट्रोडक्शन, सॉरी हमारा प्रोफाइल, फिर उसके बाद इसमें आएगा क्लास इक्वल टू इंट्रोडक्शन, उसके बाद थर्ड डिवीजन टैग, थर्ड क्लास में हम इंक्लूड करेंगे हमारे हॉबीज। इसमें मैं चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी मैंने तीन बोला था। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम हमारे स्किल्स प्रोग्रेस बार का यूज़ करके शो करेंगे स्किल्स। सो ये हो गया बॉडी टैग का जो मेन कंटेंट होगा, ये सब बॉडी टैग में हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है फुटर टैग। सो फुटर टैग में क्या, फुटर टैग में हम आइकन पैकेज यूज़ करेंगे। सो पहले मैं इसको नाम देता हूँ मेल, इस क्लास को मैं मेल नाम देता हूँ, और इधर और एक डिवीजन क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, और इसको नाम देता हूँ मैं सोशल अकाउंट्स। तो ये बन चुका है हमारा स्केलेटन ऑफ आर वेबसाइट। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ ये कैसे रन करते हैं हमारे वेबसाइट में, सो मैं आपको एक बताऊँगा। जैसे अब देखिए मैंने प्रोफाइल पे मेरा नाम लिख दिया ओमकार खंडारकर, उसके बाद और एक मैंने एक टैग यूज़ करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फिर इंट्रोडक्शन में आई एम ओमकार एस के फ्रॉम मुंबई। फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ें लिखे, और अब मैंने इसे सेव किया है। तो आपको ये वेब ब्राउज़र में ओपन करना है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे दिखता है टाइटल टैग ब्राउज़र में। सो मैं फाइल मैनेजर ओपन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने फाइल सेव की डेस्कटॉप में, पोर्टफोलियो वेबसाइट में, और ये है इंडेक्स। सो मैं इसे रन करूँगा। कहाँ गया, ओपन विथ गूगल क्रोम। सो मैंने ये वेबसाइट गूगल क्रोम में ओपन किया है। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने फर्स्ट डिवीजन क्लास में मेरा नाम लिखा था इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सेकंड में लिखा था, सॉरी फर्स्ट इसमें लिखा था मेरा नाम ओमकार खंडलकर, सेकंड में इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और थर्ड में इंट्रोडक्शन में आई एम ओमकार एस के फ्रॉम मुंबई। सो जैसे मैं बोला था कि टैग का नाम हमारे जो टाइटल है उससे मैच होगा, तो ये जो है टाइटल, हमने टाइटल को नाम दिया पोर्टफोलियो। सो यहाँ आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही गाइस, इसके आगे मैं आपको हमारे वेबसाइट का पूरा कंटेंट दिखाऊंगा, और उसके अगले वीडियो में मैं आप हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।